फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षक एवं विधायक राजेंद्र राणा ने बूथ अध्यक्षों व कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति बनाई, जिसमें बूथ स्तर पर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना की गई और कारगिल शहीदों को याद कर नमन किया गया। कांग्रेस उपचुनाव पर्यवेक्षक एवं विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि ठाट बाट में व्यस्त भाजपा सरकार के 4 साल की परफॉर्मेंस जीरो रही है। उन्होंने कहा कि अब उपचुनाव आते देख सरकार ने लोगों पर झूठे वायदे करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे को भुनाकर सत्ता में आई प्रदेश सरकार ने जनता से वायदा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन दोनों मुद्दों पर हथियार डाल चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके रोजगार की सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए और कहा कि महंगाई व बेरोजगारी से हताश प्रदेश के हर तबके की पीड़ा घर घर पहुँचाएं। महंगाई क्या मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है। विकास के काम हुए नहीं, लोग जब रोजगार में लगे हुए तो बेरोजगार हो गए। कोविड में सरकार संभाल नहीं पाई, विकास का नाम पर सरकार शून्य है। सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार इसलिए चुनी जाती है कि लोगों के विकास के काम हो। आज प्रदेश का कर्मचारी सरकार से निराश है, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ उनको नहीं मिल रहे हैं। तो सारा का है कौन सा सेक्शन ऐसा है जो जब इन्होंने चुनाव लड़ा 2017 में तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी बनाई है, डबल इंजन से काम हो गए। और ये जो राजा वीरभद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे कि ये तो कर्जा लेके सरकार चल रही है, तो सरकार बताए कि प्रदेश सरकार बताए कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.25 साल में कितने करोड़ रुपया कर्जा लिया है। ये तो कर्जे पे कर्जा सरकार ले रही है। डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन में तो मुझे लग रहा है कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। दिल्ली वाला इंजन इनका मुझे लग रहा है वो फ्रीज हो गया है, हिमाचल वाला तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इसलिए लोगों में निराशा है। तो दावेदारी है ये कांग्रेस में के लोग ही नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, खैर मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, उनका निजी मामला है। परंतु हर पार्टी में दावेदार होते हैं और वो पार्टी उनकी पार्टी में दावेदार हैं। अब फैसला उनको करना है किसको चुनाव लड़ाना है और कांग्रेस का चुनाव किसको लड़ना है, किसको लड़ाना है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस खुद फैसला करेगी और कांग्रेस के लोग जो चाहवान हैं उनके साथ भी बैठ के बात करें। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।